के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद, रामपुर, मैनपुरी दौरा आज सुबह 10:10 पर रवाना होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 10:35 पर त्रिशूल एयरफोर्स स्टेशन बरेली पहुंचेंगे। सीएम मुरादाबाद में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दोपहर 1 बजे सिविल लाइन रामपुर में करेंगे जनसभा। 3:15 पर क्रिश्चियन कॉलेज मैनपुरी में होगी जनसभा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मुरादाबाद, रामपुर और मैनपुरी दौरा है। सुबह 10:10 पर रवाना हो जाएंगे सीएम। 10:35 पर त्रिशूल एयरफोर्स स्टेशन बरेली पहुंचेंगे। वहीं मुरादाबाद में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। दोपहर 1 बजे सिविल लाइन रामपुर में करेंगे जनसभा। 3:15 पर क्रिश्चियन कॉलेज मैनपुरी में उनकी जनसभा होगी। चलिए इसी के साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे सीनियर करेस्पॉन्डेंट शशांक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। शशांक, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद, रामपुर, मैनपुरी दौरा है और कई सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए शुदा, मैं बता दूं आपको कि 5 तारीख को यानी 5 दिसंबर को चुनावी बिगुल बजना है और चुनावी बिगुल बज चुका है, तो साफ तौर पर 5 तारीख को वहाँ पे वोटिंग होनी है। तीनों उत्तर प्रदेश की उपचुनाव वाली जगह, यानी रामपुर की बात कर ले, खदेली की बात कर ले या मैनपुरी की बात कर ले, तो खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा जो होनी है संबोधित, वो आज पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि पूरे चुनाव में लगातार मुख्यमंत्री ने गुजरात दौरा किया, उत्तर प्रदेश में कई जगह दौरा किया है। आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो एक नियम होता है चुनाव आयोग द्वारा, कि जिस दिन चुनाव होता है उसके 24 घंटे पहले ही प्रचार बंद रहता है, तो आखिरी चुनाव प्रचार होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिसमें शामिल होने वाले हैं। और साफ तौर पर अगर बात कर ले 11:10 पर एक कार्यक्रम जो आज है मुरादाबाद, रामपुर और मैनपुरी का, उसके 11:10 पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन और विकास योजनाओं का लोकार्पण करना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो की बुद्ध विहार सर्किट हाउस के पीछे मुरादाबाद में है। वहाँ पे आपको बता दें कि 424 करोड़ रुपए की 30 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिसमें 30 विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास होना बाकी है। और दूसरा जो है इंपॉर्टेंट, अगर बात करें तो 1 बजे रामपुर विधानसभा में उपचुनाव में जनसभा को संबोधित करेंगे, और सिविल लाइन के कार्यक्रम है रामपुर में, जहाँ पर यानी अपने प्रत्याशी के लिए वो जनता से समर्थन की मांग करेंगे। वही दूसरी तरफ और सबसे इंपॉर्टेंट जो है 3:10 पर मैनपुरी में उपचुनाव की जनसभा को संबोधित करना, जो की क्वेश्चन कॉलेज मैनपुरी में है, तो साफ तौर से उत्तर प्रदेश के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। और उपचुनाव के दृष्टिकोण से अगर देखिए अश्विता, तो साफ तौर से उपचुनाव में मुख्यमंत्री ने जहाँ एक तरफ सभी मंत्रियों को उतारा है, वही आज खुद सेना नायक बन के सेना नायक अपनी भूमिका खुद अदा करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की जनता सुनना चाहती है, उनकी चीजों को सुनना चाहती है, क्योंकि हिंदुत्व के बड़े नेता है, तो साफ तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा आज का दिन उपचुनाव के दृष्टिकोण से बड़ा है, जिसको खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लीड करेंगे और 424 करोड़ की 30 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जिस तरह देखा जाता है कि चुनाव यहाँ छोटा हो बड़ा हो, मुख्यमंत्री जो है एक स्टार प्रचारक के तौर पर उन्हें देखा जाता है, उनका जो प्रभाव होता है वो जनता में अलग ही नजर आता है, जनता से वो जुड़े रहते हैं, और ऐसे में ग्राउंड लेवल पर जाकर मैनपुरी में, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जाकर वो खुद ही प्रचार करेंगे, तो ये कितना ज्यादा प्रभाव डालेगा मैनपुरी की जनता पर? देखिए उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में अगर उपचुनाव की बात करें तो मैनपुरी सबसे इंपॉर्टेंट जिला माना जा रहा है, जहाँ पे क्योंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव की वहाँ पर साख लगी है, और डिंपल यादव जो कि उनकी बहू है और पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी है, वहाँ पर चुनाव जितना समाजवादी पार्टी के लिए जहाँ साथ है, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी को भी साथ को जिताना, रघुराज साहब जो की यहाँ से प्रत्याशी, उनको जिताना भी उनके लिए इंपॉर्टेंट। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहला नाम अगर आता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, चाहे छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, और उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में पहली पसंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए हैं, और
चाहे गुजरात की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, हिमाचल की बात करें, सब जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिना चुनाव प्रचार नहीं हो सकता। या ये कहा जा सकता है कि हर आदमी, पूरा देश उनको सुनना चाहता है। देश में दो ही ऐसे नेता है, चाहे देश में अगर बात करें केंद्रीय नेतृत्व की, तो प्रदेश में योगी और केंद्र में मोदी जी को लोग सुनना चाहते हैं, लेकर के आज जनसभा को संबोधित करेंगे। अश्विता, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर हमने आपको उत्तर प्रदेश से बताई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, मैनपुरी जाएंगे, मुरादाबाद में उनका दौरा है, रामपुर, और सुबह जो है 10:10 पर रवाना हो जाएंगे, 10:35 पर त्रिशूल एयरफोर्स स्टेशन बरेली पहुंचेंगे, वहीं 3:15 पर क्रिश्चियन कॉलेज मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे।